ग्राम सभा को लोकतंत्र का प्राथमिक रूप माना जाता है। गांव के मामलों में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने का यह एक प्रभावी साधन है। यह वही ताकत है जिससे महाराष्ट्र के सातारा जिले के पाटन तहसील में स्थित मान्याचीवाड़ी गांव आज देश के मानचित्र पर गर्व से चमक रहा है। गांव ने केंद्र और राज्य सरकारों से 72 पुरस्कार जीते हैं। महज 20 साल पहले स्थापित मान्याचीवाड़ी ग्राम पंचायत ने पंचायत राज संरचना को सही अर्थों में समझा और ग्राम सभा को मजबूत करते हुए प्रशासन को सुशासन बनाया। सुशासन की 8 विशेषताएं हैं। इसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी विकास की उम्मीद की जाती है। आधुनिकता की राह पर शहरों की गति से दौड़ रहे मान्याचीवाड़ी ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव ढंग से उपयोग करते हुए इसी ग्राम पंचायत ने देश की पहली ऑनलाइन ग्राम सभा आयोजित की। ग्राम सभा की उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से दर्ज की जाती है। गांव समाज के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए बच्चों की सभा, वार्ड सभा, महिलाओं की सभा और मासिक सभा आयोजित की जाती है। ई गवर्नर्स के जरिए लोगों का जीवन आसान हुआ है। ग्राम पंचायत की पारदर्शी शासन व्यवस्था के कारण ही केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को पूर्ण रूप से एवं तत्परता से मिल पाता है। गांव ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100% लाभार्थियों का चयन कर लिया है। पीएम किसान योजना में 300 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 325 किसानों को मिल रहा है। सभी के पास पैन कार्ड है। बिजली बिल का भुगतान गांव के लोग ग्राम पंचायत में ऑनलाइन करते हैं। टीवी और मोबाइल रिचार्ज, गैस बुकिंग ऑनलाइन करते हैं। बस और ट्रेन टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं। सभी ग्रामीणों को जमीन के डिजिटल दस्तावेज मिल गए हैं और सभी के पास स्वास्थ्य बीमा है। आधुनिकीकरण की यह यात्रा गो ग्रीन सेंटर के माध्यम से जारी है। लगभग 400 की आबादी वाला यह गांव हरित ग्राम, सौर ग्राम, गो ग्रीन विलेज, पर्यावरण विकास रत्न ग्राम जैसे विशेषणों से नवाजा गया है। वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही ग्राम पंचायत की राजस्व वसूली 100% होती है, क्योंकि हर किसी के घर पर QR कोड लगवाया जा चुका है। ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद से ही ग्राम सभा के माध्यम से गांव की प्रगति होने लगी। ग्राम पंचायत संचालन को पेपरलेस बनाया गया। अब गांव के लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। ग्राम समितियों को मजबूत किया गया है और उनके माध्यम से गांव के कार्य किए जाते हैं। संक्षेप में, यदि गांव का विकास करना है तो गांव के हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। इसलिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जरूरी है। मान्याचीवाड़ी गांव में यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांव का हर ग्रामीण जागरूक है और प्रशासन जन उन्मुख। इस प्रकार मान्याचीवाड़ी गांव सुशासन की राह पर चल पड़ा है। गवर्नमेंट की सुविधा जो भी है वो हमें हमारे ग्राम पंचायत से मिलती है, उसी में हम लोग सब खुश रहते हैं।